एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और ये वीडियो आज काफी अलग लग रहा है बिकॉज इट एक्चुअली इज अ डिफरेंट वीडियो, इट्स अ चैलेंज वीडियो। टुडे आई एम डूइंग अ चैलेंज जहां पे मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को डीएम करने वाली हूं एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम व्हाट शुड आई ईट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, बेसिकली फॉर जस्ट वन डे। सो आज के वीडियो में आई लेट माई फेवरेट यूट्यूबर्स डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। आई हैवन्ट डन समथिंग लाइक दिस बिफोर। अभी एक्चुअली इट्स ब्रेकफास्ट टाइम एंड बाय द वे आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर ऑलरेडी देखे होंगे आई एम श्योर, बट अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को इंस्टाग्राम पे डीएम करूंगी और मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि आज के दिन में मुझे क्या खाना चाहिए एंड वॉट एवर दे रिप्लाई आई have to eat that। मैंने एक्चुअली बहुत पहले डीएम किया था, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो आई कुडंट शूट दिस वीडियो, बट यू गाइज वोंट बिलीव कि मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने रिप्लाई किया। आई वॉज इन एक्सपेक्टिंग एट ऑल बट आई गॉट सम रिप्लाईज। सो लेट स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट। यू गाइज वोंट बिलीव मैंने ब्रेकफास्ट के लिए किसको मैसेज किया था एंड आई डिड गेट अ रिप्लाई एज वेल। सो आई मैसेज्ड सेजल, यस सेजल कुमार, एंड यू वोंट बिलीव ये मैसेज मैंने 5 नवंबर को किया था एंड टुडे इज 22 नवंबर। सो आई एम एक्चुअली शूटिंग आफ्टर लाइक 2 to 3 weeks बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो आई एक्चुअली मैसेज सेजल सेइंग दैट आई लव हर वीडियोज एंड आई हैव बीन पर्सनली फॉलोइंग सेजल सिंस रियली लॉन्ग, लाइक बहुत पहले से मैं सेजल को फॉलो कर रही हूँ। आई आस्क्ड हर इफ शी कुड टेल मी व्हाट आई कैन हैव फॉर ब्रेकफास्ट, शी डिड रिप्लाई एंड शी सेड हे थैंक यू सो मच, हैव मैगी। ओके सो वी आर गोइंग टू हैव मैगी। अभी ये पैकेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यू कैन सी दिस। तो अभी हम मैगी बनाएंगे और हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे मैगी। तो दिस इज हाउ आई मेक मैगी, नॉट समथिंग रॉकेट साइंस। पहले मैंने पानी को थोड़ा गर्म कर दिया है। आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द मसाला। हियर गोज द मैगी। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो द मैगी इज रेडी और मैं भी तैयार हो गई। दिस इज द मैगी। आपको मैगी कैसे पसंद है, ड्राई और सूपी? मुझे ऐसे मीडियम पसंद है। ओ माई गॉड, अ कन्फेशन, मैं एक्चुअली अपने ब्रेकफास्ट को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ। आई यूजली ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ विथ माई ब्रेकफास्ट एंड मैगी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, बट मैं मील्स में कभी मैगी नहीं खाती हूँ। आई यूजली ईट मैगी जब घर पर कुछ भी नहीं पड़ा व्हेन आई हैव इट। सो हैविंग मैगी फॉर ब्रेकफास्ट इज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी, बट आई लाइक मैगी। और मुझे मैगी प्लेन ही पसंद है, मुझे वेजिटेबल मैगी इतनी पसंद नहीं है। ऑल्सो उसमें बहुत मेहनत भी होती है और आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हैव टू लीव इन लाइक नेक्स्ट 20 मिनट्स, सो आई हैव टू लाइक रैप अप क्विकली। तो आई वॉन्ट थैंक सेजल फॉर एक्चुअली रिप्लाइंग टू मी। आज का ब्रेकफास्ट हम वो खा रहे हैं जो आपने हमें बताया। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, दिस इज माई यूजर नेम, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छी बनी है। चलो आई फिनिश दिस क्विकली नाउ। फाइनली डन। एक्चुअली एंजॉय ईटिंग मैगी, मैंने काफी टाइम से मैगी खाई भी नहीं थी। सो नाउ माय ब्रेकफास्ट इज डन, नाउ आई एम गोना हेड आउट। और मैं लंच आज बाहर ही करने वाली हूँ एंड फॉर लंच समवन रियली स्पेशल रिप्लाई टू मी, सो कीप वॉचिंग। और उसके पहले मैं एक्चुअली आज चाय नहीं पी रही हूँ बिकॉज आई हैव टू लीव इन लाइक नेक्स्ट 5 मिनट्स और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है टू हैव सम चाय। चाय भी हम बाहर ही पी लेंगे, चाय या कॉफी, व्हाटएवर वी विल सी। सो आई एम गोना सी यू इन अ व्हाइल, बट इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड हिट द लाइक बटन। सी या। ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को चाय पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सो बिफोर गोइंग फॉर द मीटिंग मैं भी आ गई हूँ स्टारबक्स में और मैंने मैसेज किया था मोहिता को। आई एम श्योर यू नो हर, मोहिता नाम जोशी, शी हैज़ एन अमेजिंग चैनल। आई मैसेज्ड मोहिता एंड मोहिता इज़ अ गुड फ्रेंड, सो आई आस्क्ड हर व्हाट शुड आई हैव फ्रॉम स्टारबक्स एंड शी टोल्ड मी आई शुड हैव अ मैचा लाटे। या मेक इट हॉट, या यू हैव इट इन कोल्ड आल्सो? या वी आर शेकिंग ऑन। ओके मोहिता, आई हैव गॉट अ शॉर्ट ग्रीन टी लाटे, इट्स द सेम दैट यू टोल्ड मी, इट्स कॉल्ड शॉर्ट ग्रीन टी लाटे ओवर हियर। और मैंने ये गरम में बोला है, नॉट इन कोल्ड। ओके एवरीवन, दिस इज द ग्रीन टी लाटे विच वाज सजेस्टेड बाय मोहिता। मैंने ऊपर से थोड़ी क्रीम भी डलवा दी है, सो इट्स ग्रीन इन कलर ऑब्वियसली। हाँ हाँ, ऊपर से थोड़ी क्रीम डाली हुई है। मैंने मोस्टली स्टारबक्स में हमेशा जावा चिप पी है या तो वनीला लाटे पी है, मैंने कभी इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया है स्टारबक्स में।
Very refreshing. कुछ इतने strong flavors नहीं है. This is very nice and this is very creamy also. ये जब मैंने first sip लिया था तो मुझे इतनी taste नहीं आ रही थी, but जब मैं जितनी ज़्यादा पी रही हूँ तो मुझे green tea की बहुत taste आ रही है. और ये बहुत creamy और इतनी sugary बिल्कुल भी नहीं है. It's good actually. मैंने Starbucks में कभी इतना कुछ different try भी नहीं किया था, so it's nice. Now I'm gonna wind up this and I'm gonna go for some work. और मैं आपको सीधा lunch के लिए मिलने वाली हूँ. आप तब तक guess करो कि मैं lunch में क्या खाने वाली हूँ. See ya. So it's lunch time. मेरा lunch decide करने के लिए मैंने message किया था Sherry Shroff को. I admire her so much as a person, as a creator. I love her and I'm so glad that she replied. Thank you so much, Sherry. So Sherry actually told me to have something which I absolutely love. She asked me to have a huge burger along with some nuggets. So मैं अभी McDonald's से वो खाने वाली हूँ. This is my order. But मैं fries लेना भूल गई. I just saw that she also told me to have some fries. So I'm gonna get some fries as well. Ice cream मैं बाद में लेने वाली हूँ and a huge burger. तो मैं खाने वाली हूँ Mac spicy chicken burger. Because it's huge. I don't wanna take a Maharaja and all. मुझे McDonald's में Maharaja burgers and all बिल्कुल भी नहीं पसंद है. I had to literally change my table क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा noise था. But I've got my burger right now. Let me show you what I've got. ये burger मैंने लिया है Mac spicy chicken burger. These are some nuggets, some fries and some mustard sauce. ये बहुत ज़्यादा है. Let's see हम कितना खा पाते हैं. But मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. I honestly love McDonald's. मुझे McDonald's बहुत पसंद है. I'm like a McDonald's fan. मतलब मैं breakfast, lunch, dinner McDonald's ही खा सकती हूँ. Thank you so much, Sherry, for deciding my lunch. I'm gonna have this burger now. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मैकडॉनल्ड्स में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है. चिकन नगेट्स, चिकन नगेट्स मुझे बहुत ओके लगते हैं मैकडॉनल्ड्स के. ख़राब नहीं होते हैं बट मुझे ऐसे बेस्ट भी नहीं लगते. गर्म है तो मस्टर्ड सॉस इज़ नाइस. बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने चैनल पे एक चैलेंज वीडियो करूं और मैं सोच रही थी आई डू वन ऑफ दोज ईटिंग अ पर्टिकुलर कलर फॉर 24 आवर्स. बट मुझे कुछ अलग करना था और ये वीडियो मेरे को एक्चुअली थोड़ा चैलेंजिंग लगा. नॉट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग और समथिंग बट गेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम दीज यूट्यूबर्स इज अ लिटिल चैलेंजिंग. बट आई एम सो ग्लैड दैट दीज पीपल रिप्लाई टू मी. बट अभी दिन खत्म नहीं हुआ है. शाम को हम क्या खाएंगे और रात को हम क्या खाएंगे, ऑल ऑफ दैट इज रिमेनिंग. अब मैं बर्गर खाने वाली हूँ और मैं आपको शाम को मिलने वाली हूँ. दिस बर्गर इज एक्चुअली वेरी नाइस. हेलो गाइस, तो मैंने बर्गर और नगेट्स तो पूरे कर लिए बट प्राइस मैं ख़त्म नहीं कर पाई. So I'll give it to my friend who has come with me. Thank you so much, Sherry, for replying. My lunch is now done and thank you for deciding my lunch. अब मैं आपको सीधा शाम को मिलूंगी. शाम की चाय के साथ हम क्या खाएंगे वो भी मैंने किसी से पूछा है. Guys, I totally forgot कि मुझे शेरी ने बोला था कि मुझे आइसक्रीम ही खानी है. So I'm getting a scoop of ice cream for myself. But मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी because I'm in a mall and these people don't allow to shoot here. So मैं ले रही हूँ चॉकलेट आलमंड प्रलाइन फ्रॉम बास्किन्स. इट्स माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट्स. गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम के 7 बज रहे हैं. मैं फाइनली अभी घर आ चुकी हूँ. माय डे वाज ग्रेट. आई हैड अ गुड मीटिंग बट अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ. बट अलॉन्ग विथ चाय आई एम गोइंग टू ईट समथिंग. तो मैंने मैसेज किया था माय डियर फ्रेंड श्वेता को. सो श्वेता रन्स दिस चैनल कॉल शुगर स्पाइस नाइस इंडिया. आपको तो मालूम ही होगा शी इज़ मैंने श्वेता के साथ एक कोलैब भी किया है. शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट. सो आई एक्चुअली मैसेज श्वेता एंड आई आस्क्ड हर व्हाट आई शुड हैव अलॉन्ग विथ चाय. शी सेड आई शुड हैव सम ब्रेड पकौड़ा. सच एन ऑसम कॉम्बिनेशन.
आई अग्री, इट्स सच एन ऑसम कॉम्बिनेशन. आज की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं जो भी खा रही हूँ आज पूरे दिन में, मैंने इतने टाइम से वो सब खाया ही नहीं है, लाइक मैगी और जो मैंने स्टारबक्स में भी ड्रिंक पी एंड द बर्गर, इतने टाइम से मैंने खाया ही नहीं है. एंड सेम गोज विद ब्रेड पकौड़ा, मैंने इतने टाइम से ब्रेड पकौड़ा खाया ही नहीं है. सो लेट्स मेक सम ब्रेड पकौड़ा एंड वी आर गोना हैव इट विद सम चाय. तो ये बेसन यहाँ पे रेडी है, अब इसमें मैं ब्रेड डाल के, ये ऑयल गरम हो रहा है इसमें मैं डाल दूंगी, और ये साइड मैं चाय बना रही हूँ. ओके, तो जब तक चाय बने आई एम गोइंग टू हैव दिस ब्रेड पकौड़ा अलॉन्ग विद सम शेजवान चटनी. और ये सिंपल ब्रेड पकौड़ा ही है, अंदर कुछ स्टफिंग नहीं है. तो यूजुअली ब्रेड पकौड़ा के अंदर लोग बहुत सारी स्टफिंग डालते हैं, बट दिस इज अ सिंपल ब्रेड पकौड़ा. बहुत गर्म है ये. शेजवान चटनी इज़ रियली गुड. और श्वेता और मैं एक कोलैब भी प्लान कर रहे हैं. आई एम प्लानिंग अ कोलैब विद मोहिता एज वेल, बट टाइमिंग्स नहीं मैच हो रहे हैं. सो लेट्स सी व्हेन आर वी गोना डू अ कोलैब. बट आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट जिसको भी मैंने डीएम किया, बट देर आर पीपल जिनको मैंने डीएम किया और मुझे रिप्लाईज नहीं मिले, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कौन है. दिस इज़ नाइस. और मैं चाय भी लेके आऊँगी. मैं एक तो दिन थकी हुई हूँ कि मैं ऐसे खा रही हूँ. यूजुअली आई एम ईटिंग लाइक इन अ वेरी सिविलाइज्ड मैनर इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आई लव शेजवान चटनी विद एवरीथिंग. अब मैं चाय लेके आती हूँ. हेलो एवरीवन, इफ़ यू कांट टेल आई जस्ट टुक अ नैप. 9:30 बज रहे हैं, 9:45 बज रहे हैं इनफैक्ट. मुझे बहुत भूख लग रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि डिनर मेरा किस यूट्यूबर ने चूज़ किया. इट्स साइमन सेल. इफ यू गाइज हैवंट रियली चेक्ड आउट हिज चैनल, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग. आई थिंक इंडिया में ऐसे कम यूट्यूबर्स हैं जो एक्चुअली इतने फनी होते हैं कि थ्रू आउट द वीडियो यू आर लाफिंग, एंड साइमन इज़ वन ऑफ दोज. एंड मुझे थोड़ी हिंट थी कि वॉट ही इज़ गोइंग टू सजेस्ट, सो आई मैसेज्ड हिम एंड आई हैड नो, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही इज़ गोइंग टू रिप्लाई टू मी, बट ही डिड रिप्लाई. सो आई मैसेज्ड हिम सेइंग दैट आई लव हिज कॉन्टेंट एंड आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प मी पिक व्हाट शुड आई हैव फॉर डिनर. एंड आई ऑल्सो सेड शब्बा खैर, कैलाश खैर एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो अपने वीडियो के एंड में वो बोलते हैं. एंड ही रिप्लाइड, ही सेड ब्रोकली और भिंडी. अगर आप साइमन के वीडियोज देखते हो तो आपको मालूम होगा कि भिंडी किस रेफरेंस में होता है. And you guys won't believe, when I was messaging him, मैंने अपने भाई को पहले ही बोला था कि I have a clue he's gonna say भिंडी, and he said भिंडी. So I have भिंडी with me. This is what my dinner looks like. This is some भिंडी. So I honestly came across Simon's channel when the PewDiePie versus T-Series battle was going on, and I found this guy so funny. मैंने उनके सारे videos देख लिए. Thank you Simon for choosing my dinner. Here we go, भिंडी. My mom made this, just made it so nicely. Although dinner is not the last thing that we're doing, we are going to end this video with some desserts, comment shout out, and I'm going to tell you YouTubers who didn't reply me. So I actually DM'd a bunch of YouTubers because I was really excited when I thought of this video idea. I was like, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को DM करने वाली हूँ और फिर हम देखेंगे कि who's gonna reply and who's gonna not. This bhindi is really good. Bhindi is done. Thank you so much, Simon. But this is not the end of this video. I messaged one of my most favorite beauty YouTubers, Jovita George. अगर आप makeup के videos देखते हैं तो आपको definitely उनके बारे में मालूम ही होगा. She is one of those genuine beauty YouTubers जो makeup और beauty के related videos बनाती हैं, and she has been in the industry since so long. I absolutely admire her. But she did reply and she said that the video idea is really cute. And her favorite dessert is rasmalai, and she's gonna make me eat that. So I have already got some rasmalai at home. I obviously got it while coming back home. So abhi hum rasmalai khane wale hain. I'm gonna get it, and you're gonna eat it.
I'm just so glad that I'm doing this, and I'm so glad that I've had things which I haven't had since so long. So rasmalai to maine definitely kafi time se nahi khayi hai, so thank you so much Jyota. Ab usually jab aap aise bahar rasmalai khane jaate ho to aapko aise rabri ke andar rasmalai dal ke dete hain, which is good, but kyunki maine parcel liya tha wo bhi sham ke time pe, so this is what I've got. This looks so good. Thank you so much, Jyota, for choosing a dessert to end my day with. इसमें बीच में मावा डाला हुआ है और ये एक्चुअली दिखने में बहुत ही ड्राई लग रहा था बट खाने में बहुत सिरपी है. I loved it, and it's also the time to end this video. So before ending this video, there are a few things that I want to talk about. ये challenge के लिए मैंने और भी बहुत सारे YouTubers हैं जिनको DM किया था, my favorite YouTubers, Bhuvan Bam, Prajakta, mostly Sane, and Gaurav Taneja. मैंने उनको भी message किया था but they didn't reply. I adore them as content creators. I love their content. So much fun filming this challenge. I hope I did good. You guys let me know in the comments below. But before ending this video, I'm going to now do a comment shoutout quickly. Everyone who doesn't know, मैं अपने videos के end में दो कोई भी random comments को shoutout देती हूँ. So make sure you leave a comment below. It can be anything. It can be literally anything about the video, about me, about yourself, anything. So I'm going to give a shoutout from my recent video. So the first shoutout goes to Afifa Bano, who says you're the cutest adult on planet Earth. That's such a kind thing to say. Thank you so much, Afifa. And the second comment shout out goes to Vinod Kappa, who says, "Hi Golgappa. I really love when I meet people outside, they don't call me Pooja, they just call me Golgappa. Big fan. After office, when I reach home while having dinner, I watch your videos. This has been a routine for a while. Love your videos and your work. Keep exploring food or app." अपने गाल कम मत होने देना. यू लुक सो क्यूट मैम. गुड डे एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच विनोद. सो मेक श्योर यू लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो लेटिंग मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट मी टू डू मोर सच चैलेंजेस. इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय.